अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो कैसे आप सब, होप सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो आज की हम वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको इसको पूछो, खुद कुछ पढ़ना आता है इसको, मिल जाए पंडित को। अरे शर्म शर्म आनी चाहिए इसको के बोधी रखकर भगवा पहन कर नमाज पढ़ा रहा है। ये कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, विजय पंडित। और चलो मेरे को मक्का मदीना जल चढ़ाने लेकर चलो। अगर तुम्हारे में औकात है, तुम सच में मुसलमानों के साथ हो, तो अपनी औकात में कायम रहना और मुझे लेकर चलना मक्का। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कोई जा सकता है? जामा मस्जिद आस्था का मामला है। मुझे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती हूँ चाटुकार आओ ना, मुझे भी लेकर चलो। अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सिख और हिंदू भाई भाई तो हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई, भाई हो सकते हैं। नहीं हो सकते मैम, हो सकते। हाँ चलो हो सकता है तो तुम चल रहे हो, तुम मीडिया वाले ज्यादा तरदारी करो। चलो मक्का मदीना, चलो मेरे शिवजी को जल चढ़ाने, चलो चलो लेकर चलो, चलो मेरे साथ चलो। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तलवार, ऐसे लेकर चलूंगी अपनी रक्षा के। मक्का मदीना ऐसे चलूंगी मैं, हम ऐसे चल मैं मक्का मदीना, चलो जल चढ़ाने। मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करना शुरू कर। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से खमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहां पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहां जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की? गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं नहीं झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग है, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा, और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते हैं, आप तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है, आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का मदीना जाने के लिए। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो और आपको भी इस बात का जवाब मिल गया होगा, जो आस्था माँ लफ्ज़ तो इन पे सूट नहीं करता। तो जो इन्होंने एक सवाल किया था कि मुझे मक्का ले चलो, वहाँ पे शिवलिंग पे, मतलब वहाँ पे हमारा शिवलिंग है तो वहाँ पे मैं जल चढ़ाऊंगी, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए अगर
हिंदू लोग जो है वो काबा क्यों नहीं जा सकते, वो मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा और बहुत ही बारीकी से उनको जवाब दिया है। तो होप सो कि आप सबको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने बहुत सारे ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।